हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ बंगालीज का एक ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करेंगे और वो बनाएंगे पड़वाल से, यानी कि स्पॉट गार्ड। तो इससे आज हम बनाएंगे कारी। ये बंगाली में बोलते हैं तेल पटोल। तो चलिए देख लेते हैं बहुत इजी तरीके से एकदम वेज रेसिपी तेल पटोल यानी कि पॉइंटेड गार्ड करी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पड़वाल को मैंने धो लिया है और अभी फर्स्ट में ऐसे सारे पूरे के पूरे पड़वल को छीलने का जरूरत नहीं है, ऐसा एक स्ट्रिप रहने दीजिए। देख लीजिए, पड़वल हमारे रेडी है, ऐसे एक स्ट्रिप रहने दीजिए और एक स्ट्रिप को हटा दीजिए ऐसे। और अभी सामने से कट कर लेंगे, पीछे से भी सेम तरीके से कट कर लेंगे और इसको ऐसे आधा और इस साइड से भी उल्टी करके ऐसे आधा कट कर लेंगे। इस साइड से ऐसे और दूसरे साइड से उल्टे साइड में देख लीजिए कट कर लिया है। तो इसके अंदर मसाला बहुत अच्छे से चले जाएगा और साथ ही साथ ये फ्राई भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो सारे के सारे पड़वाल को मैं रेडी कर लेती हूँ। देख लीजिए, मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और अभी ऐड कर दूंगी 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। ऑयल थोड़ा सा ज्यादा ऐड कर दीजिए। देख लीजिए, सारे पड़वाल हमारे कट होके रेडी है। अभी ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, साथ ही साथ ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट। अभी नमक एंड हल्दी से पड़वाल को अच्छे से कोट कर लूंगी। ऑयल हमारे अच्छे से गर्म हो गए है तो अभी ऐड कर दूंगी पड़वाल। सारे पड़वाल को मैंने ऐड कर दिया है और अभी फ्लेम को मीडियम में कर दीजिए और 3 मिनट के लिए एक साइड को फ्राई कर लीजिए। पड़वाल हमारे फ्राई हो रहे हैं, इस टाइम में चलिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाला तैयार करने के लिए मैंने ले लिया है मिक्सर ग्राइंडर जार और इसके अंदर दे दिया है जिंजर 1 इंच का, साथ ही साथ दे दिया है 4-5 ग्रीन चिली, साथ ही साथ ऐड कर दूंगी 2 टीस्पून जीरा। अभी इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और साथ ही साथ इसको एक फाइन पेस्ट तैयार कर लूंगी। देख लीजिए, मसाला पेस्ट हमारे रेडी हो गए हैं। तो चलिए अभी पड़वल को चेक कर लेते हैं। पड़वल को अभी पलट देंगे, पलट के दूसरे साइड को भी सेम तरीके से फ्राई कर लेंगे ऐसे। देखिए कितना अच्छा कलर आए थे, एक साइड अच्छे से फ्राई हो गए थे। सारे के सारे पड़वल को मैंने पलट दिया है और पलट के दूसरे साइड को भी 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। देख लीजिए, चारों तरफ से पड़वल हमारे फ्राई होके रेडी है। चलिए अभी इन लोगों को निकल लेते हैं। तो अभी इसी सेम ऑयल में ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून जीरा, साथ ही साथ ऐड कर दूंगी ये मसाला पेस्ट। मसाला पेस्ट को मैंने ऐड कर दिया है, इस टाइम में फ्लेम को लो में कर दीजिए और थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए, इससे मसाला हमारा जलेगा नहीं, अच्छे से पक जाएगा। फ्लेम को मीडियम में कर दीजिए और मसाला को अच्छे से पकाइए। लीजिए 4-5 मिनट हो गए थे, मसाला हमारे अच्छे से पक गए थे, ऊपर से ऑयल निकल रहे हैं। इस टाइम में ऐड कर दिया थोड़ा सा चीनी, एकदम 1 पिंच। अगर आपको पसंद नहीं है तो स्किप कर दीजिए। फिर से मिला दीजिए अच्छे से। ऐड कर देंगे थोड़ी सी गरम मसाला, 1/4 टीस्पून सनराइज शाही गरम मसाला ऐड किया। मिला देंगे, अभी ऐड कर देंगे थोड़ी सी घी, एकदम थोड़ी सी बस, इससे एरोमा बहुत सुंदर आते हैं। अभी ये मसाला के ऊपर ऐड कर देंगे पड़वल
तेल पोटल नाम है तो इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा यूज होते हैं। ऐसे पड़वल को ऐड कर दीजिए, फ्लेम को अभी हाई में कर दीजिए। अभी हल्का हाथों से मिक्स कर दीजिए, इसलिए कट करने का टाइम ध्यान में रखिए तो मसाला पड़वल के अंदर अच्छे से घुस जाएगा। देखिए अभी बस एक मिनट के लिए ढक दीजिए, इससे मसाला पड़वल के अंदर चले जाएगा। मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटाते हैं। देख लीजिए ढक्कन हटा दिया है और बंगाली स्टाइल ट्रेडिशनल ऑथेंटिक रेसिपी तेल पोटल एकदम रेडी है। चलिए गैस को बंद कर देते हैं और इसको सर्व कर देते हैं। देख लीजिए स्पॉट गार्ड करी या फिर तेल पोटल अभी एकदम रेडी है। तो कैसी लगी मेरी ये रेसिपी? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और ये रेसिपी राइस के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, घर में ज़रूर एक बार ट्राई करना। आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।